पड़ी गई। हाँ अरे रुको रुको, जाने दे जाने दे जाने दे, फोटो नहीं। अरे फोटो दोस्तों, एलियंस चीन को उसके घर में घुसकर मारेंगे। एलियंस पूरी तरह से चीन पर गुस्साए हुए हैं। अभी अभी सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। चीन के तो रूह कांप गए हैं। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, एलियंस का नाम सुनते ही हमारे जहन में कई प्रकार के सवाल आ जाते हैं। हालांकि आज तक किसी ने भी एलियंस को नहीं देखा है। दुनिया में एलियंस की मौजूदगी को लेकर कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि एलियंस दूसरे ग्रह पर रहने वाला जीव है। एलियंस के बारे में कहा जाता है कि वह छुप छुप कर धरती पर आते रहते हैं, यहाँ पर इंसानों के जीवन पर कड़ी नजर रख रहे हैं। यह भी दावा किया जाता है कि तकनीक और विज्ञान की दृष्टि से दूसरे ग्रह के अद्भुत प्राणी मनुष्य से काफी एडवांस हैं। आपने एलियंस को लेकर बहुत कुछ पढ़ा और सुना है। हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसको जानकर हर कोई हैरान है। एक बार फिर दावा किया जा रहा है कि एलियंस को देखा गया है। चीन में आसमान में दिखा रहस्यमयी शहर। दोस्तों, आपको बता दें, आसमान में दूसरे ग्रह के प्राणियों यानी एलियंस और उड़ंत अस्त्रियों यानी यूएफओ को देखे जाने की हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा है जो शायद ही पहले आपने कभी देखा होगा। जी हाँ, एक रहस्यमयी शहर जो आसमान में बादलों के बीच देखा गया है। ये केवल बादलों के बीच बनने वाली कुछ अजीबोगरीब आकृतियां नहीं, बल्कि साफ तौर पर नजर आ रही गगनचुंबी इमारतें हैं जो दिन में नजर आई हैं। ये बहुत ही विचित्र और हैरान करने वाला रहस्यमयी है। यह रहस्यमयी और तैरता हुआ शहर चीन के हुनान प्रांत के युएंगयोंग शहर में इस साल के शुरू में देखा गया था। आसमान में बादल छाए हुए थे, इनसे छनकर सूरज की हल्की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। मौसम सुहाना था और लोग झील के किनारे मौज मस्ती करने पहुंचे थे। तभी आसमान में यह तैरता हुआ शहर प्रकट हुआ, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। लोग अपने अपने मोबाइल फोन निकालकर फोटो और वीडियो बनाने लगे। इससे पहले ऐसा ही एक वाकया चीन के क्वांगडोंग प्रांत के फुसेन में भी देखा गया था। यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के न्यूयॉर्क कैलिफोर्निया शहर में भी आसमान में तैरता शहर देखा जा चुका है। और आपको बता दें, कुछ लोग इसे ऑप्टिकल इल्यूजन का नाम देते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा दृष्ट भ्रम के कारण हुआ। विज्ञान की भाषा में इस फिनोमिना को फाटा मोरगाना कहते हैं। फाटा मोरगाना के मामले में किसी आकृति के प्रतिबिंब से अन्य आकृति बनती है, लेकिन इस मामले में ऐसा संभव नहीं था क्योंकि असली शहर में भी गगनचुंबी इमारतें नहीं हैं। और वहीं एलियंस चेंजर मिस्टर वार्निंग का कहना है कि एलियंस बादलों में छिपकर धरती वासियों पर रिसर्च कर रहे हैं। चीन में दिखे शक्ति प्रदर्शन करते हुए एलियंस। दोस्तों, आपको बता दें, चीन के एयरफोर्स एक्सपर्ट ने दावा किया है कि उसने 24 नवंबर को एलियंस देखा था। एक्सपर्ट का कहना है कि जब वो ताइवान और हांगकांग के बीच उड़ान भर रहा था, उस दौरान उसने आसमान में एलियंस की सेना को देखा था। पायलट और उसके सहयोगी ने एलियंस की सेना को कैमरे में कैद भी किया है। दोनों ने इसके सबूत के लिए वीडियो बनाया है। कॉकपिट के अंदर से बनाए गए वीडियो में 12 चमकीली चीजें दिखाई दे रही हैं, जिन्हें यूएफओ बताया जा रहा है। चीन के एयरफोर्स एक्सपर्ट ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें पहले 9 यूएफओ नजर आते हैं, वीडियो के बीच में 12 और फिर 9 यूएफओ दिखाई देते हैं। वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि एलियंस शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। पायलट ने जब वीडियो बनाया तो वो कह रहा है कि या न जाने क्या चीज है, इस रहस्यमय स्पेसक्राफ्ट में लाइट्स जलती और बुझती दिखाई दे रही हैं। पायलट का कहना है कि ये वैसा लग रहा था कि जैसे कोई सेना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हो। चीन में आसमान में दिखी रहस्यमयी लाइटें। दोस्तों, यह दृश्य देखने के बाद कुछ का कहना है कि चीन द्वारा फैलाए गए कोरोना की वजह से एलियंस चीन पर हमला करने आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यह घटना चीन के शेंजेन का है। चीन के शेंजेन में अचानक लोग हैरान रह गए जब आसमान में उन्हें कुछ चमकीली चीज नजर आई। रात के अंधेरे में लोगों की नजर उस पर पड़ी, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चीन के शेंजेन में आसमान में लोगों को चमकीली चीज नजर आई। वीडियो में इस नजारे को देखते हुए एक शख्स को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है कि आसमान में दिख रहा ये यूएफओ है, ये काफी शॉकिंग है। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ,
वैसे ही लोगों के बीच इसकी चर्चा शुरू हो गई। दोस्तों देखिए आपके सामने ये वीडियो है, इसमें आसमान में कई छोटी छोटी लाइट्स नजर आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यूएफओ है और एलियंस चीन पर हमला करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि वाकई में ये कौन सी चीज है। और दोस्तों आपको बता दें, चीन ने एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप बनाया है एलियंस को पकड़ने के लिए। इस टेलीस्कोप की मदद से एलियंस को सिग्नल भेजा जाएगा। कुछ वैज्ञानिकों को कहना है कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। चीन एलियंस को बुलावा दे रहा है, अगर ऐसा हो गया तो एलियंस धरती पर आकर हमला बोल देंगे और पूरी दुनिया संकट में आ जाएगी, क्योंकि चीन ऐसी हरकत कई बार कर चुका है जिससे पूरी दुनिया संकट में आ गई है। कोरोना वायरस को कोई भूल नहीं सकता। इस टेलीस्कोप की खासियत यह है कि अगर कोई एलियंस धरती पर हमला करता है तो उसके हमला करने से पहले ही धरतीवासियों को पता चल जाएगा। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि फ्यूचर में बड़ा खतरा हो सकता है। तो दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जानकारी सभी तक पहुँचा दीजिए। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।